गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर सेकंड लेसन ऑफ द हिंदी सब्जेक्ट इन क्लास फोर, बुद्धिमान खरगोश. सो लेट्स स्टार्ट इट. बुद्धिमान खरगोश, बुद्धिमान का मतलब क्या होता है? क्लेवर, जो कि जिसमें बुद्धि है, दिमाग है. और खरगोश के बारे में बता रहे हैं तो ये पूरी स्टोरी क्या है, एक जंगल पे बेस्ड है. जंगल में सारे जानवर रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, फिर वो कैसे क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, उस पर ये स्टोरी बेस्ड है. तो अपन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था. सिंह मतलब शेर, लॉयन. उसका नाम क्या था? भासुरक. वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था. प्रतिदिन मतलब क्या होता है? रोजाना, डेली वो किसी न किसी जानवर को मारता था और खा लेता था. वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे. सारे जीव जानवर बहुत परेशान थे, क्या पता किसका नंबर आ जाए, आज मुझे वो शेर खा जाए. तो एक दिन जंगल में सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे और निवेदन किया. सारे जंगल के जितने भी थे जीव, आपको इस पिक में पता चल रहा है, हाथी भी है, जेब्रा भी है, खरगोश भी है, हिरण भी है, तो ये सब बंदर वगैरह सब जाके उनसे निवेदन करते, मतलब प्रार्थना करते, रिक्वेस्ट करते कि हम शेर को कुछ निवेदन करके इस समस्या का समाधान करेंगे. वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? मतलब वो सब मिलके उनको, शेर को क्या बोलते हैं कि वनराज मतलब वन के राजा हो आप, जंगल के राजा हो. शेर आपको रोज एक एक जने को मार के, हर किसी को मार के आपको क्या मिलता है? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, मतलब आपका भोजन, आपको जरूरत है खाने की सिर्फ एक जानवर को, और आप हर किसी पर झपट्टा मारते हो, किसी को इंजर्ड कर देते हो. तो आपको ऐसा करते हैं हम कि प्रतिदिन एक पशु आपके पास अपने आप हमारे ओर से आ जाएगा, आपको कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा. शेर को बोला है कि आप अपनी गुफा में ही रहो, हम डेली एक एक जना आएंगे, आपका भोजन आप भोजन कर लेना, आप फ्री रहोगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, ना कहीं आपको शिकार करने जाना पड़ेगा. तो इस तरह से शेर को समझाया. और इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा. एक तो जब सारे जानवर जंगल में चारा चर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो शेर आएगा तो सब किसी को भी पकड़ सकता है, झपट्टा मार सकता है. और एक 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 जानवर को पता होगा कि आज मेरा टर्न है, मुझे शेर खाएगा. तो इस तरह से दूसरे जानवर बिल्कुल आराम से रह पाएंगे जंगल में. तो क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है. अब वो सारे जानवर मिलके शेर को कैसे न कैसे समझा रहे कि आप हमारी बात को मान लो. सिंह उनकी बात मान गया, मतलब शेर ने उसकी बात मान ली सबकी. तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे. निर्भय यानी बिना डर के, उनको कोई डर नहीं है. निर्भय यानी होता है बिना डर के, वो सब आराम से घूमने फिरने लगे कि हाँ, जिसका नंबर है शेर उसी को खाएगा. इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई. मतलब डेली नंबर आ रहा था एक एक जानवर का, तो एक दिन उस खरगोश का नंबर आया कि आज उसको जाना है, शेर उसको खाएगा. खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे. अब खरगोश का टर्न था तो उसको जाना तो था ही, लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था कि मेरे को शेर खा जाएगा आज, तो डर तो लगता ही है. मौत की घड़ियों को कुछ देर टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा. मौत की घड़ियाँ मतलब बहुत जल्दी उसको शेर शिकार कर लेगा, तो वो इधर उधर घूम रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे शेर खाने वाला है. एक स्थान पर उसे कुआ दिखाई दिया, कुएं के पास गया वो. उसे देखकर मन में उसके विचार आया, मतलब उसके माइंड चला कि मैं कुछ ना कुछ करूं, कि क्यों ना भासुरक को, भासुरक क्या है, उस शेर का नाम है जो कि एक एक जने को डेली खा लेता है, को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर कुएं में गिरा दिया जाए. यही उपाय सोचता वह भासुरक शेर के पास कुछ देर में पहुंच गया. उसने क्या सोचा, मैं भासुरक को ऐसा बोलूंगा कि इस कुएं में, मतलब इस जंगल में दूसरा कोई शेर आ गया है और वो तुम्हारी जगह लेना चाहता है, मतलब वो राजा बनना चाहता है. तो इस तरह से भासुरक जो शेर है उसका दिमाग उस पर चला जाएगा और मुझे वो छोड़ देगा.
सीए उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता अपने होंठ चाट रहा था। जब खरगोश उसके पास गया तो शेर क्या कर रहा था, उसको बहुत खतरनाक भूख लग रही थी। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी, सोच ही रहा था कुछ देर में कोई ना कोई पशु आए उसे शिकार को चल पड़ेगा, पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। मतलब उसको गुस्सा आ रहा था कि अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी कि डेली हम एक एक जानवर को भेजेंगे और अगर जानवर को नहीं भेजा तो मैं क्या करूँगा, खुद जाऊँगा और सारे जानवरों को मार दूँगा। उसी समय खरगोश उसके पास आ गया और उसके पास प्रणाम करके बैठ गया, उसके पास हाथ जोड़े और उस शेर के पास बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, उस शेर को भूख लग रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने खरगोश को बोला, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और ऊपर से इतनी देर लगा कर आया है, मतलब इतना छोटा है वो खाएगा तो उसका पेट शायद ही भरे, तो भी मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, तू कब से आया ही नहीं, आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा। खरगोश को क्या बोला उसने, धमकी दी कि आज तो मैं तुझे खाकर छोड़ दूंगा लेकिन कल से तो मैं सारे जानवरों को खा जाऊँगा, मार दूंगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा, मतलब सबको ख़त्म कर दूंगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, बिल्कुल सादगी भरे सिर झुकाकर उसने अपनी बात बोली, क्षमा करे स्वामी, मतलब क्षमा का मतलब होता है मुझे माफ़ करना, उसने सॉरी बोला, आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं, व्यर्थ यानी ऐसे ही फालतू बात पर आप गुस्सा कर रहे हो, इसमें मेरा अपराध है ना अन्य पशुओं का, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं आपके पास देरी से आया हूँ, कुछ फैसला करने से पहले मेरी देर से आने का कारण तो सुन लो। मतलब खरगोश ने उनको क्या बोला कि आप हम पे ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो, मैं तो आपके पास टाइम से आने वाला था लेकिन कुछ कारण ऐसा हो गया, कुछ रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाया और वो रीजन आपको सुनना है। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, उसने बोला तुझे जो भी बोलना है जल्दी से मुझे बोल, फिर मैं तुझे खा लूँगा, कहीं तेरे कहने से पहले ही मैं तुझे चबा ना जाऊँ। शेर उसको क्या बोल रहा है कि तू तेरी बात फटाफट बोल दे। स्वामी बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके ये सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे अन्य चार खरगोशों के आपके पास भोजन के लिए भेजा था, हम पांच आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब, अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मतलब उन्होंने क्या बोला, हम तो चार पांच खरगोश आ रहे थे आपके पास क्योंकि एक खरगोश से आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया और उसने हमको क्या बोला कि तुम्हारे अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मतलब वो शेर आपके लिए जो भोजन आ रहा था उसको उसने अपना बना लिया और उन खरगोशों को खा गया जो मेरे साथ आने वाले थे। मैंने उससे कहा, हम सब उसके अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं, मतलब हमारा शेर हमारा राजा तो भासुरक है और हम उसके पास जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है, क्या उसे ज्ञात नहीं है कि जंगल मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। मतलब उसने खरगोश ने झूठ बोला राजा को, उस शेर जो राजा है भासुरक उसको झूठ बोल के क्या बोला कि उस दूसरे शेर ने मुझे बोला कि आप तो यहाँ का राजा मैं हूँ, तुम किसी भासुरक के पास नहीं जाओगे, ये जंगल भी मेरा है, तुम्हें जो बात कहनी है मुझे कहो, भासुरक चोर है, तुम में से चार खरगोश यहीं रह जाए, एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूँगा, हम में से जो बलशाली होगा वो राजा होगा। मतलब खरगोश ने कितना दिमाग लगाया, उसने बोला कि उस दूसरे शेर ने ये बोला कि तुम बाकी के खरगोश मेरे पास ही छोड़ के जाओ और तुम अकेले जाओ और भासुरक को बोलो कि मुझसे लड़ाई करे, अगर वो जीत गया तो वो राजा और मैं जीत गया तो मैं राजा। मैं तो किसी तरह से जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, मुझसे इसीलिए देरी हो गई, आगे जो स्वामी की इच्छा हो वो करो। तो खरगोश ने और दयालु बन के वो बहुत भोला बन के उनको बोला कि मैं तो जैसे तैसे उससे बच के आपके पास आया हूँ, अब आपकी इच्छा जो भी करो आपकी मर्जी। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले जाओ,
मतलब बासुरक को गुस्सा आ गया कि जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले जाओ ताकि मैं उससे लड़ाई करूँ, उसको हरा दूँ और उसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये जंगल तो सिर्फ मेरा है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है, अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर होता है। शत्रु मतलब दुश्मन, एनिमी। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर होता है। मतलब उसने और उस शेर को थोड़ा और चढ़ाया कि इसको कैसे न कैसे पागल तो बना ही रहा था वो खरगोश। उसको ये लग रहा था कि मुझे मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं एक बार शेर पर ट्राई करूँ, अगर ये पागल मेरी बात पे बन जाता है तो मैं इसको बना लूँगा, है ना। तो उसने क्या बोला, वो तो उसके दुर्ग में रहता है, मतलब उसकी खुद की एक गुफा है और उस गुफा में ही रहता है, और उस गुफा में अगर आप जाओगे तो आप कैसे बचोगे, क्योंकि वो उसका एरिया है ना। तो इस तरह से उसको वो बोलता है। उसके प्रत्युत्तर में बासुरक बोला, प्रत्युत्तर मतलब उसने, खरगोश ने जब ऐसा बोला कि वो तो उसके दुर्ग में है, उसके गुफा में है, तो बासुरक ने बोला कि तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे अपने बल पर भरोसा है, शीघ्र ही मैं उसका नाश नहीं किया तो बाद में असत्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। मतलब बासुरक को इतना गुस्सा आ गया, उसने बोला मैं तो उसके जो दुर्ग है, उसका जो घर है, उसमें झाँक के उसको मार के आऊँगा, नहीं तो फिर ये ऐसी बीमारी हो जाएगी कि पूरे जंगल पे इसका राज हो जाएगा और मेरा राज ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे तो तू फटाफट ले जा ताकि मैं उसको मार सकूँ, ख़त्म कर सकूँ। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो मेरे साथ चलिए। ये कर बासुरक उसको कुएं के पास ले, बासुरक को कुएं के पास ले गया, जहाँ पे खरगोश ने जो आइडिया लगाया था उसी कुएं के पास उस शेर को लेके आ गया, जहाँ झुककर उसने परछाई देखी। किसने? बासुरक ने। ये देखो इस पिक में दिखा रखा है कि वो शेर खुद उसकी परछाई को इसमें देख रहा है, उसकी शेडो बन रही है पानी में, कुएं के पानी में, और वो उसी को देख रहा है। और फिर वो क्या बोला, स्वामी मैंने जो कहा था वही हुआ, आपको आता देखकर ये दुर्ग में छिप गया है। खरगोश ने उसको क्या बोला, ये देखो ये अंदर छुपा हुआ है कुएं के अंदर, आपको जैसे ही देखा, पहले ये कुएं के बाहर था जब मेरे को मिला था, लेकिन आपको देखते ही ये कुएं में छुप गया है। वहां पहुंचकर वे बोला, स्वामी मैंने जो कहा था वही हुआ, आइए मैं आपको इसकी सूरत दिखा दूं, जरूर मैं इस नीच को देखकर दुर्ग में ही जाकर उससे लड़ूंगा। मतलब बासुरक ने क्या बोला कि मैं तो इसका जो घर है उसमें जाकर इससे लड़ाई करूंगा। खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने अपनी ही परछाई देखी तो समझा कि ये दूसरा शेर है। अब बासुरक ने क्या सोचा, ये कुएं के अंदर है, वो दूसरा शेर है और खरगोश सही बोल रहा है। तब वे जोर से जैसे ही ऊपर से वो गरजा तो नीचे से भी वापस उस पानी में से भी उसको वापस आवाज़ आती है। कुएं में अपन कुछ भी बोलते हैं तो वापस रिपीट अपनी आवाज़ आती है, तो उसको वैसी आवाज़ सुनाई दी, तो उसको और गुस्सा आया कि देखो ये मेरी तरह मुझसे ही लड़ाई करना चाहता है। तो थोड़ी देर में तो बासुरक का गुस्सा इतना तेज हो गया कि वो जाके कुएं में कूद गया और जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से सिंह को हरा दिया। खरगोश कितना छोटा होता है, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से, अपने दिमाग से उस बड़े से शेर को भी हरा दिया। और वहाँ से लौटकर वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर, सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर नाच उठे। मतलब सभी हैप्पी हो गए कि हमारा जो रोज हमको खाने वाला था वो मर गया है, क्योंकि खरगोश में दिमाग लगाए, छोटा हो आदमी चाहे बड़ा हो, अगर वो उसके दिमाग से काम करेगा तो उसका काम, उसको उसमें काम में उसको सफलता मिलेगी। और अगर सिर्फ दिमाग नहीं लगाएगा, जैसे शेर ने इतना बड़ा होके भी ये दिमाग नहीं लगाया कि पानी में उसकी शेडो है, वैसे ही अपने को भी अपना दिमाग से काम लेना चाहिए हमेशा, ना कि अपने को सिर्फ रटने की प्रवृत्ति पे ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रश्न के जो प्रश्न उत्तर है,
वो अब आप इस स्टोरी को आराम से समझ गए हैं तो आराम से लिख सकते हैं, तो अपने कॉपी में राइट डाउन करने हैं। जैसे कुछ मैं बता देती हूँ, जैसे जंगल के सभी जीव मिलकर किसके पास गए, अगर आपने ध्यान से लेसन मैंने पढ़ाया है, आपने ध्यान से समझा है, तो आपको पता है सारे मिलकर कहाँ जाते हैं, बासुरक सिंह के पास जाते हैं। तो सिंह कहाँ पे लिखा हुआ है, ए वाले ऑप्शन में, तो अपने को यहाँ पे ए भरना है। बासुरक ने कुएं में क्या देखा, क्या देखा था, कुएं में झाँका तब उसने, दूसरा शेर तो वहाँ था ही नहीं, उसने क्या देखा था, अपनी परछाई देखी थी, तो अपनी परछाई स वाला ऑप्शन, यहाँ स भरना है। अब इसके प्रश्न है, खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया, उसने क्या किया, उसने अपनी बुद्धिमानी से शेर को पागल बना दिया और उसको कुएं में ले जाके उसकी परछाई दिखाकर उसको मार दिया। खरगोश को देरी से आता देख सिंह ने क्या किया, आपको पता है जब खरगोश देर से आया तो शेर बहुत गुस्सा हो गया था और उसने क्या बोला था कि तुम देर से आए हो इसलिए अब मैं तुम्हें आज खा के कल तो मैं पूरे जंगल के सभी जानवरों को खा जाऊंगा। खरगोश ने देरी से आने का क्या कारण बताया, खरगोश देरी से इसलिए आया, उसने क्या बोला था कि जंगल में दूसरा शेर आ गया है और उसने मुझे रोक लिया था। खरगोश ने सिंह को कैसे मारा, कैसे मारा, उसने पानी में, पानी के कुएं में उसकी परछाई दिखाकर बोला कि ये दूसरा शेर है और वो शेर लड़ाई करने के बहाने उस कुएं में कूदा और वो मर गया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और ये आपको डिफिकल्ट मीनिंग अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, इनके इंग्लिश वर्ड भी लिखने हैं। सो ये अपना लेसन था, थैंक यू।